आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इस विधा में और क्या किया जा सकता है, क्या आप नज़ारा देख रहे हैं, किस तरीके का स्कोप यहाँ पर देख रहे हैं आप? जावेद जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात छेड़ी है। मैं इसी संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि अब पूरे विश्व का जो ध्यान है वो क्विजीन टूरिज्म पे आ गया है, भोजन के पर्यटन पर आ गया है, और भोजन आधारित जो पर्यटन अब चल पड़ा है वो क्षेत्रवाद में आ गया है। और क्षेत्रवाद में आने के कारण चाहे वो आप स्पेन का लें, चाहे वो आप कॉन्टिनेंटल लें, चाहे आप वो एशियन लें, चाहे वो आप ईस्ट एशियन लें, चाहे अमेरिकन लें, और चाहे अंत में आपन अपना विंध्य का लें, जब हम लोगों ने इसका कहीं ना कहीं से काउंटिंग करना शुरू करा और संकलन करते करते मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से जब रॉयल क्विजीन का कार्यक्रम हुआ तो ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो डिशेस हैं वो हमारे बघेली डिशेस हैं। लगभग 150 से ज़्यादा डिशेस का हम लोगों ने काउंट उनको भेजा और आज जो हो रहा है यहाँ पर वो उसी की परिणति है कि हमारी महिलाएं अब यहाँ पर और जागरूक होकर सामने आई हैं। और मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ जावेद जी आपका और आपके ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का और फूड क्राफ्ट का, मध्य प्रदेश टूरिज्म का, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना रही है मेक इन इंडिया। कहीं ना कहीं आप इंडिया के इस विंध्य के क्षेत्र में खड़े होकर उसको सार्थक कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इसको यहाँ पर एक मंच दिया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और जो बघेली व्यंजन में एक और जो चीज़ पूरे विश्व में आई है वो है फ्यूजन का ज़माना। फ्यूजन का जो ज़माना है वो हर जगह पे आया है, चाहे वो डांस में देखें, चाहे वो क्रिकेट में देखें, चाहे वो स्टडीज़ में देखें, और चाहे वो आप अपने फूड में देखें। तो आज मैंने वो भी देखा कि बघेली व्यंजन में फ्यूजन भी जुड़ा और ये एक बहुत अच्छी बात थी। बघेली व्यंजन में फ्यूज़न भी जुड़ा, साथ ही आपने एक बड़ी गंभीर बात कही, यहाँ का जो भी खाना था वो अब व्यवसाय में तब्दील हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात। 150 से ज़्यादा बघेली व्यंजन शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। आपका न्यूज़ नेटवर्क टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से यहाँ उपस्थित हर एक कंटेस्टेंट को मैं आज मानता हूँ कि आप विनर हैं क्योंकि आप यहाँ हैं।